अर्ज किया है कि गुलशन में कली सिर्फ एक बार खिलती है, गुलशन में कली सिर्फ एक बार खिलती है और दुनिया को नंबर वन चीज़ सिर्फ एक बार मिलती है। अगर दूसरी बार मिलेगी तो वो नंबर दो हो जाएगी ना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धर्मेश और आज मैं लेकर के आया हूं आपका मच अवेटेड कार्यक्रम, जो बहुत दिनों से नहीं आया था, फिल्म समीक्षा। और आज हम जिस फिल्म की सम इच्छा करने वाले हैं यहाँ पर, उसका नाम है कुली नंबर वन। नहीं, ये वाली नहीं, कुली नंबर वन 2020 की कुली नंबर वन। तो दोस्तों, वैसे मैं क्यों इस फिल्म की सम इच्छा यानी रिव्यू कर रहा हूँ पता नहीं, बाय द वे एडिटर इसको काट देना। हाँ, तो दोस्तों फिल्म कुली नंबर वन, ये नंबर दो है या नंबर वन, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, पूरी कास्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, यानी कि इसकी लीड कास्ट वरुण धवन, जिन्होंने राजू कुली का किरदार निभाया है। कौन कहता है कि वरुण धवन ने ओवर एक्टिंग की है मेरे भाई। सिर्फ ओवर एक्टिंग नहीं की है बल्कि ओवर मिमिक्री भी की है। हाँ, कभी वरुण धवन मिथुन दा बन जाते हैं तो कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, तो कभी मेरे भाई दिलीप कुमार बन जाते हैं, जो कि उनसे पचा नहीं है और दर्शकों से भी हजम नहीं होगा। तो ओवर मिमिक्री भी की है, गोविंदा बनने की एक्टिंग भी की है, ओवर एक्टिंग भी की है। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि नंबर वन से नंबर वन का, यानी नंबर वन से नंबर टू का जो भी कह लें, कंपैरिजन बेटर नहीं है। और हम आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि जब पूरी फिल्म की चर्चा करेंगे। कुली नंबर वन की कास्टिंग नंबर टू की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हीरोइन की कास्टिंग, फीमेल कास्टिंग। वहाँ पर यानी कि 1995 की कुली नंबर वन में करिश्मा कपूर ने मालती का जो किरदार निभाया था, वो यहाँ आकर काफ़ी परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे मालती सारा है और सारा किरदार भी सारा ने निभाया है, यानी कि सारा अली खान ने निभाया है। सारा सारा करते हुए याद आया कि गुजराती में सारा का मतलब होता है अच्छा। अब यहाँ पर ये अच्छा है कि बच्चा है, ये आप देख कर खुद पता लगा सकते हैं। सारा सारा दिखती हैं, सारी दिखती हैं, मतलब अच्छी दिखती हैं सारा। करिश्मा कपूर भी हीरोइनें तो अच्छी दिखती ही हैं आमतौर पर, लेकिन अच्छी लगती हैं एक्टिंग करते वक्त या नहीं, ये हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि करिश्मा कपूर जी जब किरदारों को निभाया करती थी तो उनमें एक मासूमियत नज़र आती थी, एक किरदार के साथ अपनत्व नज़र आता था। यहाँ का जो सारा वाला किरदार है, वो गोवा के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं, जिन पे कभी कभी फेक मासूमियत नज़र आती है जो कि जचती नहीं है। उन पर जो डायलॉग हैं, लगता है कि डायलॉग थोपे गए हैं। डायलॉग में ऐसा कोई पंच लाइन नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन आम तौर पर दर्शकों को होती है, जिसके कारण कोई हीरोइन नोटिस हो। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, तो हीरोइन के साथ में पैरेलल दूसरी कोई सब कास्टिंग कर दी जाती है सपोर्टिंग रोल में, और सपोर्टिंग रोल को थोड़ा वीक किया जाता है ताकि जो आपका मेजर रोल है वो नजर आए। तो दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से कुछ किया गया है। सारा अली खान के साथ में सपोर्टिंग रोल में, जो कि उनकी बहन बनी है शिखा तलसानिया, वहाँ पर वो किरदार किया था कंचन ने, जो कि करिश्मा कपूर की बहन लगती थी और छजती थी। और यहाँ पर ये जो कास्टिंग है शिखा तलसानिया और सारा अली खान की, शिखा थोड़ी सी मोटी नज़र आती हैं, सारा अली खान एक हीरोइन जैसी खिले गुलाब सी नज़र आती हैं। तो दोनों कहीं से भी एक ही पिता की दो संतानें नज़र नहीं आती हैं, यानी कि बहन नहीं लग रही हैं। तो कुछ इसी तरह से हमें मेल कास्टिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर वरुण धवन के दोस्त यानी दीपक का किरदार निभाया है साहिल वैद्य ने। तो वहाँ पर राजू कुली यानी कि गोविंदा के दोस्त दीपक का किरदार निभाया था हरीश कुमार ने, जो कि उस दौर के चॉकलेटी हीरो हुआ करते थे, अच्छे कलाकार थे। और गोविंदा और हरीश की जोड़ी जमती थी, छजती थी। पर यहाँ पर दोस्त दोस्त तो दिखाए गए हैं, पर दोस्त दोस्त लगते नहीं हैं। अगेन वही फिजिकली फिट एक हीरो प्रेजेंट किया जाता है वरुण धवन, और दूसरा थोड़ा अनफिट। हालांकि साहिल वैद्य ने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन कास्टिंग की प्रक्रिया में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हीरो के साथ में सिर्फ हीरो को झलकाने के लिए या दर्शाने के लिए हम कास्टिंग कर रहे हैं, या कास्टिंग किसी पर्पज़ से हो रही है। तो यहाँ ये पर्पज़लेस कास्टिंग लगती है। यहाँ ऐसा लगता है कि सारा अली खान और वरुण धवन को ही दर्शाने के लिए ऐसी कास्टिंग, ऐसी सपोर्टिंग कास्ट सेलेक्ट की गई है। हालांकि अगर एक्टिंग की बात करें तो साहिल वैद्य हो या शिखा तलसानिया इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर लुक्स की बात करें, अगर फिजिक की बात करें, तो वहाँ पर कास्टिंग थोड़ी मात खाती है। अगर हम बात करें 1995 में आई कुली नंबर वन की, तो वहाँ पर करिश्मा कपूर के पिता का किरदार कादर खान ने निभाया था, जिसका नाम था होशियार चंद।
क्या निभाया था। और गोविंदा और कादर खान की जोड़ी तो हमेशा एवरग्रीन रही है, और ये डुओ ऐसा है जो कभी नहीं टूट सकता। जिन जो 90 के दशक के लोग हैं या उस दौर में रहे हैं या उस दौर की फिल्मों को पसंद करते हैं, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर वो किरदार निभाया है परेश रावल जी ने। परेश रावल जी एक उम्दा कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन अभिनय करते हैं, बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग है, फिल्म को बांधे रखते हैं। बस यही कास्टिंग है जो आपको नहीं खलेगी, बाकी की खलेगी या नहीं खलेगी इसमें जजमेंटल होने की या जज्बाती होने की कोई बात नहीं है, लेकिन परेश रावल जी ने हमेशा की तरह बढ़िया काम किया है, फिल्म को बांधे रखने का काम किया है। कादर खान जी की अगर कोई जगह ले सकता था तो उसका सब्स्टिट्यूट जो लिया गया है परेश रावल जी को कास्ट किया गया है, अच्छा डिसीजन था। यहाँ परेश रावल जी के किरदार का नाम है जेफरी रोजारियो, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि गोवा के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगर हम और बारीकी में जाएं, एंटरटेनमेंट को छोड़ दें, हम क्लास ऑडियंस बनकर के देखें, क्रिटिसिज्म के नज़रिए से देखें, तो परेश रावल जी का कहीं कहीं गुजराती एक्सेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ वो बिलियोनियर कहते हैं, लुक को लुक कहते हैं। लेकिन वो सब को अगर नज़रअंदाज कर दें, वैसे तो वरुण धवन भी बहुत कुछ कहते हैं पर समझ नहीं आता है, लेकिन अगर उन सब चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है परेश रावल। अब आ जाते हैं मामा के किरदार पर। फिल्मों में छाए रहे, फिल्म जगत में छाए रहे वो मामा हैं आउं शक्ति कपूर, जिन्होंने वहाँ पर यानी 1995 की कुली नंबर 1 में मामा का किरदार निभाया था, और आउं क्या किरदार निभाया था, वाओ कहने का मन करता था। यहाँ पर भी कास्टिंग को मद्देनज़र आज के दौर के वैसे उम्दा कलाकारों को लेने की कोशिश की गई थी, उसमें राजपाल यादव जी का सिलेक्शन हुआ, जो कि और बेहतर हो सकता था। मतलब राजपाल यादव जी का सिलेक्शन बेहतर था, उनसे और बेहतर हो सकता था। वहाँ पर शक्ति कपूर के ऊपर तोतलापन जमता था, छजता था, बहुत बेहतरीन लगता था। यहाँ पर लगता है कि राजपाल यादव जानबूझकर तोतले बन रहे हैं, और कहीं कहीं पर वो ओवर एक्टिंग करते नज़र आते हैं। कहीं कहीं पर राजपाल यादव की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग जो होती है, उसके कारण हमें मज़ा भी आया है। कई सीन्स में आपको मज़ा आएगा, राजपाल यादव का भी अभिनय अच्छा है, पर ओवर एक्टिंग कहीं कहीं हो गई है, और कहीं कहीं मेरे ख्याल से करवाई गई है, जो भी है। लेकिन ये भी संतुष्टिजनक कास्टिंग है, क्योंकि राजपाल यादव खुद एक उम्दा एक्टर है। तो अगली कास्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पंडित की। पंडित एक अहम हिस्सा है इस फिल्म का। वहाँ यानी कि 1995 की कुली नंबर 1 में ये किरदार निभाया था सदाशिव अमरापुरकर ने, जो कि एक उम्दा कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। कई जगह हम उन्हें बतौर खलनायक देख चुके हैं, बतौर खलनायक भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और जब वो कॉमेडी पे आए तो कॉमेडी में भी बहुत अच्छे दूरगामी काम किए हैं, मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो सदाशिव अमरापुरकर ने वहाँ पर पंडित जी का किरदार निभाया था। पंडित जी का नाम था शादी राम घर जोड़े, यहाँ पर वो किरदार निभाया है जावेद जाफरी ने, जो कि अगेन एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे अभिनेता हैं। डांस के क्रेज़ को मिथुन दा के बाद उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाया और सबको क्रेजी कर दिया था। खैर, आजकल वो सहायक किरदारों की भूमिका में नज़र आते हैं, तो यहाँ पर वो पंडित बने हैं। पंडित जय किशन के साथ साथ जब वरुण धवन कुंवर बनकर के आते हैं, तो उनके मैनेजर के रूप में, जैक्सन के रूप में ये नज़र आते हैं। यानी कास्टिंग एक है, लेकिन किरदार इन्होंने एक तरह से दो निभाए हैं। दोनों किरदारों को जावेद जाफरी ने डिफरेंशिएट करने की पूरी कोशिश की है, जो कि काफ़ी हद तक सफल होते भी नज़र आती है। उनके हिस्से में जितना अभिनय आया, उन्होंने उसको अच्छे से निभाने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरी फिल्म में उस दौर का ह्यूमर दिखाने की कोशिश की गई है, जिस दौर में असल कुली नंबर 1 बनी थी, तो वैसा ह्यूमर दिखाने के लिए ओवर द टॉप जाना पड़ता है, और आज की ऑडियंस ओवर एक्टिंग, कुछ भी आप ओवर यानी अति कर देते हैं तो बर्दाश्त थोड़ा कम करती है। यहाँ पर उनकी एक्टिंग में भी थोड़ा ओवर एक्टिंग नज़र आती है। तो बढ़ते हैं अगली कास्टिंग की तरफ। यहाँ पर यानी 2020 की इस कुली नंबर 1 में इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है जॉनी लीवर ने। वहाँ पर यानी कि गोविंदा वाली कुली नंबर 1 में इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था टीकू तलसानिया ने। तो बढ़ते हैं अगली कास्टिंग की तरफ, जो कि है सेठ महेंद्र प्रताप सिंह की। यहाँ पर ये महेंद्र प्रताप सिंह है, वहाँ पर गजेंद्र प्रताप सिंह थे। वहाँ पर ये किरदार निभाया था कुलभूषण खरबंदा ने, दादाजी मिर्ज़ापुर वाले। हाँ, तो वहाँ पर वो तेल मतलब वो किरदार निभाया था कुलभूषण खरबंदा ने। यहाँ पर वो किरदार निभाया है अनिल धवन ने। हैं, नेपोटिज्म? अरे रुको रुको। हाँ तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना आपको हम भूल गए। क्या बोला था, टीकू तलसानिया यानी इंस्पेक्टर, अनिल धवन यानी कि ये सेठ महेंद्र प्रताप सिंह,
अब हैशटैग बायकॉट वाले ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर हम अनाउंस करने जा रहे हैं। नेपोटिज्म की इस डिबेट में डबल नहीं ट्रिपल नेपोटिज्म है इस फिल्म में। अरे मोरी मैया जे का देख ले ओ, अनिल धवन यानी कि वरुण धवन के सगे चाचा, टीकू तलसानिया की बेटी जिन्होंने उसमें इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था, यहाँ पर वो हीरोइन की बहन का किरदार निभा रही हैं। तो हैशटैग बॉयकॉट हैशटैग नेपोटिज्म चलाना मत भूलें, क्योंकि ये चलाते रहने से हम सबको लगता है कि बॉयकॉट बॉयकॉट हम सब में से कोई नहीं देख रहा है और हम सब देख रहे होते हैं, और उसी कारण से मैंने भी ये फिल्म देख ली है और इसका रिव्यू लेकर के आ गया हूँ। तो बॉयकॉट वाले बुरा ना माने, कमेंट में आके थप्पड़ बिल्कुल भी ना मारें। पहली बात तो बहुत जोर की लगती है, दूसरी बात ये हम बॉयकॉट के समर्थन और विरोध में नहीं हैं, हम तो बस इतना ही कह रहे हैं अरे नहीं देखना है तो मत देखिए, बॉयकॉट करने से फिल्म का प्रमोशन होता है। तो चलिए जॉनी लीवर और टीकू तलसानिया के बीच का कंपैरिजन जान लेते हैं। यहाँ पर जॉनी लीवर को बहुत दिनों बाद कोई किरदार इस तरह का करने को मिला है, और जॉनी लीवर उस दौर के भी एक्टर हैं जिस दौर में ये फिल्म बनी थी, यानी जॉनी लीवर वहाँ पर भी होते हो सकते थे, पर खैर वो यहाँ पर भी हैं। तो उस दौर के एक्टर इस दौर के एक्टर में क्या फ़र्क है, उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क था, ये आप इस बात से जान सकते हैं, उस समय एंटरटेनमेंट बहुत सीमित था एक तरह से। जिस मात्रा में जिस भारी मात्रा में आज हम एंटरटेनमेंट एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम वर्ल्ड सिनेमा से एक्सपोज हैं, हम एक ऑडियंस के तौर पर कॉन्टेंट की समझ रखते हैं, तो आज हमें मेलोड्रामा या उस दौर का हाथ से देखने की आदत नहीं रह गई है, या हमें वो आउटडेटेड लगता है। जॉनी लीवर ने उस दौर के हास्य को इस यहाँ पर भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनका एक किरदार हुआ करता था भूला, यानी टोबो बने थे ऑल द बेस्ट में, जिसमें वो भूल जाया करते थे, वैसी ही कुछ एक्टिंग आपको यहाँ नज़र आएगी। हालांकि यहाँ पे भूलते नहीं हैं, सब कुछ याद रहता है, लेकिन थोड़ा सा उनकी एक्टिंग क्वेश्चन करती है कि आप समय के साथ क्यों नहीं बदले। टीकू तलसानिया जी जो कि शायद हर एक फिल्म में उस दौर में इंस्पेक्टर या इस तरह के कॉमिक किरदार किया करते थे, उन्होंने उसी ढर्रे पर चलते हुए वो किरदार किया था और अच्छा ही किया था, उस समय के हिसाब से वो सटीक था। पर टीकू तलसानिया जी भी आज उस समय के हिसाब से ये किरदार कर रहे होते तो सेम क्वेश्चन उनसे भी होता। तो बढ़ते हैं अब अगली कास्टिंग की तरफ, जो कि है सेठ महेंद्र प्रताप सिंह, यानी कि 2020 की कुली नंबर 1 के सेठ महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की, जिसका किरदार निभाया है विकास वर्मा ने। यहाँ पर वो किरदार नोटिस होता भी है और नहीं भी, क्योंकि उस किरदार की ना तो इतनी लेंथ है, ना तो किरदार में कोई ऐसी बात है कि वो आपको आकर्षित करेगी। हाँ ये ज़रूर है कि उसका होना भी ज़रूरी था, पर विलेन के उस किरदार में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है जो उसे विलेन बना सके, या विलेन के तौर पे हम उसकी कुछ प्रशंसा कर सकें। वहाँ पर यानी कि गोविंदा वाली कुली नंबर 1 में ये किरदार निभाया था महेश आनंद ने, जो कि उस दौर की फिल्मों में विलेन के गुर्गे के तौर पर नज़र आते थे, यानी कि विलेन के साथ में जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, पर फिर भी एक खास बात ये थी कि वो नोटिस हो जाते थे उस दौर में, काफ़ी अंडररेटेड एक्टर रहे हैं। हाल ही में 2 साल पहले उनका रहस्यमय तरीके से निधन हो गया, तो इस किरदार के साथ शिकायत ये है कि वहाँ पर वो नोटिस हुए थे, यहाँ पर ये किरदार नोटिस नहीं हुआ, और एक फिल्म के लिए एक एक किरदार अहमियत रखता है। अब बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड की आखिरी कास्टिंग की तरफ। यहाँ पर सेठ के मैनेजर का किरदार निभाया है मनोज जोशी जी ने, जो कि अगेन एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और वहाँ पर यानी कि गोविंदा वाली कुली नंबर 1 में ये किरदार निभाया था महावीर शाह ने, जो कि अधिकतर फिल्मों में मक्कार निकम्मे विलेन के तौर पे नज़र आते थे। यहाँ पर मनोज जोशी एक बेहतरीन कलाकार हैं, कई फिल्में की हैं, आज के नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं, और काफ़ी संघर्ष करके इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। यहाँ पर इनसे बहुत कुछ कराया जा सकता था, उनके हिस्से में जितना भी अभिनय आया है उसको उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया है, लेकिन बस यही कसक रह गई कि अच्छे एक्टर से आप अच्छा काम करवा सकते थे बतौर डायरेक्टर। सुन रहे हो ना डेविड, हाँ ए एडिटर को काट देना। तो आज की फिल्म समीक्षा में बस इतना ही, हम मिलते रहेंगे तमाम ऐसी समीक्षाओं के साथ में, रिव्यूज़ के साथ में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम रोचक और चौचक और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए देखते रहें नरक टीवी।